आगे किसी को बोल रहे हैं ये लोग काफी आने चाहते हैं। तो टैंक आ गया। तो टैक्सी नहीं होती क्या? टैक्सी स्वागत है, वेलकम है आप सब लोगों का हमारे चैनल अफगान रिएक्टर्स में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक से होंगे, खुश होंगे और बढ़िया होंगे। बढ़िया बढ़िया होंगे, सदा खुश होंगे, सदा खुशी रहे, सदा खुश होंगे जी। तो मैं हम लोगों का होस्ट कुदरत और मैं हूँ साहिल अफगान। जब मैं ट्रेलर है हमारे यही काबुल का नाम दिया है, काबुल एक्सप्रेस। तो अच्छा काबुल एक्सप्रेस ये मैंने थोड़ा देखा था, बहुत नहीं देखा था। जॉन इब्राहिम और अरशद वारसी की है। अच्छा अरशद वारसी और बहुत पहले देखी है, अभी सब कुछ भूल भी चुका हूं। ये उस टाइम की बनाई गई जब रशिया और उसकी लड़ाई हुई थी, शायद उस टाइम की हो या फिर अमेरिकन जो पहली बार आई थी तालिबान की। ट्रेलर है काबुल एक्सप्रेस का, जॉन इब्राहिम और अरशद वारसी। अरशद वारसी बहुत ही अच्छा कॉमेडियन भी है, अच्छी मूवीज बनाता है। जॉन इब्राहिम तो सबको पता है, बॉडी बिल्डर भैया। तो वॉच करते हैं काबुल एक्सप्रेस को, देखते हैं किस ट्रेलर है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल पर रेटर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जरूर बोलना जरूरी है, हां जरूर बोलना जरूरी है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो ठीक है, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाए और लाइक भी जरूर क्या करें ताकि मतलब और वीडियो को प्ले। अच्छा और जिन लोगों ने हमें सोशल साइट पे फॉलो नहीं किया तो वहां जाके हमें फॉलो कर दो, हमसे बात करो। ठान लड़ाता है, लेट्स वॉच। प्ले कर दो। अच्छा अच्छा यार, यश राज वालों ने बनाई है इतनी लंबी। यश राज ने बहुत अच्छी मूवीज बनाई है। We want to go to Kabul. Bale, shridami shi ekbar desh ko mauka mil le। आगे किसी को बोल रहे हैं ये लोग काबुल आने चाहते हैं। तो टैंक आ गया। तो टैक्सी नहीं होती क्या? टैक्सी बोले खुद कौन सा है जब ये सब देख कर यार रोना आता है मुझे। टैंक जो है टैक्सी है भाई। टू इंडियंस तालिबान का इंटरव्यू हम जरूर लिखेंगे, चाहे जवान चली जाए। मरेगा तो डेफिनेटली। मुझे क्या पता था कि सचमुच जान का खतरा होगा। एन अमेरिकन। Get Osama, I guess. Or if not Osama, then a chat with Mullah Omar. One Afghan. तालिबान औरतों को काम करने नहीं देते। A Pakistani. गाड़ी चलाने आजी के नहीं आजी। On a journey together. लोग तो फोकट में चुमी लेते हैं। क्या मिला इन लोगों को इतना खूबसूरत मुल्क बर्बाद करके? Five people from different worlds, their paths destined to cross in a country devastated by war. तो मजा आ रहा है ना बेटे वॉर रिपोर्टिंग करते हुए? घंटा मजा आ रहा है। What? गदा है सामने। उसामा बिन लादेन। गदा तो है सामने। मैंने ये जगह देखा हुआ है। वो क्या होता है कि मूवी में ये होता है कि हजारा लोग जो है अपने रोड पे गद्दा खड़ा कर देते हैं, अगर आप उस गद्दे को मार देते हो तो फिर वो बहुत पैसे मांगते हैं। मतलब मूवी में ऐसे बताया गया। वैसे तो ये हमारे कंट्री का हाल है ट्रेलर में।
मतलब जो इन्होंने दिखाया गया था तब जो है अभी तो ज्यादा ठीक हो गया है, अभी काफी ठीक, बहुत ठीक हो गया, बहुत ठीक, लाइक 70% अभी ठीक हो गया है। तो ये एक्चुअली अरशद वारसी और ये जॉन अब्राहम दोनों जो होते हैं रिपोर्टर होते हैं, ये मीडिया वाले होते हैं, ये जाते हैं अफगानिस्तान, वहाँ पे तालिबान के इंटरव्यू लेने जाते हैं, इंटरव्यू भी और वहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं वो भी करने गए थे, सब वहाँ पे जाके उन लोगों को मतलब कवर देखते कि मतलब वहाँ पे होता क्या है, तालिबान क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, लेकिन तालिबान फिर मेरे ख्याल में उसको पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पे जो एक पाकिस्तानी भी होती है होता है जो कि उसके साथ में वो होता है बंदूक जो होता है। मूवी को वॉच करेंगे तो तब और पता चलेगा जिस तरह मतलब वो कह रहे कि सर जो है औरतों को जो है कुछ करने नहीं दे रहे, कुछ मजे से कुछ बोल रहे थे, तो ये रियल में था ना, सच भी ऐसा तो था। अच्छा, ये शूटिंग भी मेरे खास उधर ही हुई थी नहीं काबुल में, यहाँ पे जो है काबुल के कुछ जगह दिखाए थे गए थे जो कि एक जो एक जहाँ पे अभी वो ये सब कुछ नाम है यार मैं भूल गया, काबुल में एक जगह है जो कि उन लोगों ने बहुत खराब किया था, अभी उन लोगों को सीट करा दिया अभी इन लोगों ने। अच्छा यार कुछ इस तरह अर्ग, उसका नाम है अर्ग, अर्ग एक बिल्डिंग का नाम, बहुत पुराना बिल्डिंग भी था वो, गाजिया मल्ला खान के नाम से था उस जमाने का था, तो जब लड़ाई 40 साल से वहाँ पे सब कुछ हो रहा है ना, तो वो अर्ग वाली बिल्डिंग उन लोगों ने खत्म कर दिया, वो बिल्डिंग दिखाया गया, तो वो बिल्डिंग कितना खराब किया था कि मैं क्या बताऊँ आपको। अभी फिर ठीक है, अभी तो अशरफ गनी ने ठीक किया ना। और बाकी भी जो जगह दिखाए गए थे वहाँ पे जो घोड़े वगैरह वहाँ पे वो अभी भी होते हैं वहाँ पे, घोड़ों का रेस और वो मुस्कशी वगैरह सब कुछ वही मतलब कल्चर वही दिखाए गए थे, दिखाई दे रहा था कि अच्छी मूवी लग रही है जरूर। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अभी के लिए आई थिंक इतना ही, हमारे चैनल अफगान रिएक्टर को सब्सक्राइब कर रहा है, ये लाइन मेरे है, आप क्यों मुझे टांग लड़ा रहे हो, साथ में जो चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं और लाइक भी जरूर क्या करें ताकि हमें पता चले आप लोगों की सपोर्ट भी, लाइक वाले आपकी बाकी मेरी। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।